तो बात है एक मिलियनर यूथ की, कि यहां ज्यादातर युवा धन बैठा हुआ है और युवानी में एक स्वप्न होता है, जिंदगी में कुछ बड़ी बात हासिल करने की एक तमन्ना मन में होती है और होनी भी चाहिए। दैट इज अ ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। तो ये बात का विषय यह है कि हमें जीवन में समृद्धता चाहिए, हर तरीके से जीवन में एक प्रगति चाहिए, और सब प्रगति, व्हेन ऑल प्रोग्रेसेस दे कम टुगेदर दे बिकम सक्सेस, सिद्धि भी चाहिए। कहीं सालों पहले होगी बात 30-40 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात यह है कि थोड़े विचारक इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ ये सोचा, इतिहास के पन्ने देखते देखते कुछ बहुत सफल लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते कि कहीं प्रसंग ऐसे बने कि ऐसे सफल व्यक्तियों के जीवन में कभी ऐसी बात थी कि उनके पास रिसोर्सेस सब अच्छे थे, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम्स सब अच्छे थे, लेकिन कम सफल हुए या सफल नहीं हुए या बुरी तरह से भी उन्होंने जीवन में निष्फलता देखी। और दूसरी तरफ गौर करते हुए कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने पाई इतिहास के पन्नों में से कि रिसोर्सेस कम थे, मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, कुछ फैमिली सपोर्ट कम था, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, समाज में इसे भी सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स कम मिल रहे थे। इस परिस्थिति में भी इन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई। तो ये सब विचारक द्विधा में आ गए कि कहीं बार रिसोर्सेस बड़े अच्छे हैं फिर भी योग्य सफलता नहीं मिली, कम मिली या निष्फलता मिली, और कहीं बार रिसोर्सेस कम थे तो भी ज्यादा सफलता मिली। तो मतलब रिसोर्सेस के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से एक बड़ी इंपैक्ट जीवन में, इधर ऑन द साइड ऑफ सक्सेस और ऑन द साइड ऑफ फेलियर, इट इज सीन, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज एक्सपीरियंस्ड। 10-12 साल तक गौर करते करते ये सब विचारक पश्चिम की ये भूमि में एक निश्चित विचार पे आए कि वेदर यू हैव लेसर रिसोर्सेज इन लाइफ और मोर रिसोर्सेज इन लाइफ टू अटेन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड दस सक्सेस इन लाइफ, उसकी गिनती थोड़ी कम है लेकिन उससे ज्यादा गिनती है आपके जीवन के विचार, आपके जीवन का अभिगम। आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करते करते, कोई संबंध रखते रखते किस प्रकार के विचार रखते हो, इन परिस्थितियों में किस प्रकार का अभिगम आप रखते हो, दैट काउंट्स मोर इन योर सक्सेस देन रिसोर्सेस। ये एक बात तैयार हुई, ये एक बहुत बड़ी बात तैयार हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। तो ये विचार करते करते एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड अ मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से, पूरे संशोधन के साथ बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग,
मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक एंड एस्पेशली द यंगस्टर्स हु आर इनटू फैमिली बिजनेसेस और देयर प्रोफेशनल्स। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जो कुछ भी है वो अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट, विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में ये पुस्तक में ये लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपके जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं, योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली। आप हेतु सबर वर्तन रखें। सो थिंक राइट, स्पीक वेल एंड यू एक्ट विथ पर्पस। यह अभिगम है आपका। और इस पुस्तक के सेमिनार्स जेफ केलर ने कहीं किए, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, और इनको सुनने के बाद, यह पुस्तक पढ़ने के बाद, हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो उससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है। एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं, इस प्रकार की एक ताकत यह संशोधन में है। अगेन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। वेदर द रिसोर्सेज यू हैव आर लेस और मोर, इट काउंट्स लेस। व्हाट काउंट्स मोर इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड दैट यू पजेस विद पीपल, विद सर्कमस्टेंसेस, विद हैपनिंग्स, विथ वर्क, काउंट्स मोर। इनकी गिनती ज्यादा होती है। तो अब हम सब यहां बैठे हैं। मैं आपको अगर यह प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं। इफ येस देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में समझना, कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस दे कम टूगेदर टू ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इज नॉट जस्ट अ गुड बिजनेस, सक्सेस इज नॉट जस्ट अ फ्यू रिलेशनशिप्स वेल सेट, सक्सेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ गुड हेल्थ एंजॉयड। ये सब एक एक वर्टिकल्स है, वो प्रोग्रेस है, और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए, दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माय लाइफ, भगवान ने मुझे ये 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया, आई लिव्ड इट। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के
कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणूक भी जीवन में चाहिए. रिमेंबर सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम. मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा. वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. तो success is not an overnight story. It is never a one day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है.